क्या पहली जंग अजीम मुसलमानों ने शुरू की? बिल्कुल नहीं। क्या दूसरी जंग अजीम मुसलमानों ने शुरू की? नहीं। क्या होलोकॉस्ट में 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने मारा, क्या हिटलर मुसलमान था? क्या हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अमरीकियों ने एटमी धमाके किए, क्या वो अमरीकी मुसलमान थे? जी बिल्कुल नहीं। ऑस्ट्रेलिया में जो 20 मिलियन एबोरिजन्स को मारा गया, क्या वो मुसलमानों ने मारा था? और शुमाली अमेरिका में तकरीबन 100 मिलियन हिंदुस्तानियों को मारा गया, क्या वो मुसलमानों ने मारा था? और क्या जनूबी अमेरिका में 50 मिलियन हिंदुस्तानियों को मार दिया गया, क्या वो मुसलमानों ने मारा था? और तकरीबन 180 मिलियन अफ्रीकियों को गुलाम बनाया गया, और उसमें से 80% अफ्रीकियों को मारकर अटलांटिक ओशन में फेंक दिया गया, क्या वो सब मुसलमानों ने मारा था? तो फिर मुसलमान दहशतगर्द क्यों? मुसलमानों के साथ ये मुनाफकत वाला असूल क्यों? अगर एक गैर मजहब या गैर मुस्लिम कोई भी हो, वो हमला करता है या बुरा काम करता है या दहशतगर्दी करता है, तो उसे क्राइम का नाम दिया जाता है। जबकि अगर किसी मुसलमान से गलती हो जाए तो उसे दहशतगर्दी कहा जाता है। तो ये इस्लामोफोबिया क्यों? इस्लाम दुश्मनी क्यों? ये दोहरा मेयार क्यों मुसलमानों के साथ किया जा रहा है? तू परिंदे मार दे, सनो सरोवर मार दे, तेरी मर्जी, तू जिसे दहशतगर्द कह के मार दे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फलक को पड़ा कभी दिल जलों से काम नहीं, अगर ना आग लगा दूं तो दाग नाम नहीं। और मफाहमत ना सीखा जबरे नरवा से मुझे, मैं सर बकफ हूं, लड़ा दे किसी बला से मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।